लाठी खा करके सब फुड़वा करके जो है मंदिर प्रवेश कराया जाए। शक्ति जी को भगवान इसलिए बनाया जा रहा है ना ताकि इंसान के सवाल गायब कर दिए जाए राजनीति से। देवघर में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। राम जी के नाम पर नाथू राम वाली नफरत की राजनीति है। और वो जवान जो भाजपा को वोट दिए लेकिन अग्निवीर के नाम पर जो उनके साथ छलावा किया गया, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और देश का तर्क दिया गया कि ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग जुट जाएंगे तो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब प्रधानमंत्री की यात्रा में लोग नहीं आएंगे। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, तमाम जो है एजेंसियां और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, पूरा जो है आरएसएस बीजेपी का तंत्र एक व्यक्ति के। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। देवघर में पहले किनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, जिनको कहा जाता था कि ये अछूत है, उनको मंदिर नहीं जाने दिया। और बिहार, उस वक्त संयुक्त बिहार, पहले मुख्यमंत्री हुए श्री कृष्ण सिंह, अभी पिछले दिनों जो उनकी जयंती थी, वो लाठी खा करके सर फुड़वा करके जो है मंदिर प्रवेश कराया गया। जो कांग्रेस पार्टी समानता का कानून लेकर के आई कि आप किसी को भी धर्म से अलग नहीं कर सकते, मंदिर जाने से रोक नहीं सकते हैं, उस धर्म की हालत ये लोग क्या करते हैं। एक तरफ नौटंकी करते हैं मंदिर में आने का, निमंत्रण देने का, और दूसरी तरफ जब कोई भक्त अपने भगवान के पास जा रहा है तो याद रखिएगा, भक्त के पास जब भगवान के पास जाता है तो वो निमंत्रण से नहीं जाता है। हमारी मान्यता ये है कि वो भगवान के बुलावे से जाता है। लोग हमारे यहाँ से जब जल उठाते हैं वहाँ से सुल्तानगंज से, तो क्या कहते हैं, भोला बाबा बुलाए हैं, आप जाते नहीं हैं, आपको बुलाते हैं। तो जब उनका बुलावा है तो वो जाएंगे। ये मंदिर में नारा लगना चाहिए भगवान भोलेनाथ का, हर हर महादेव का। वहां नारा क्या लग रहा था, मोदी जी का। वो तो मोदी जी भगवान हो गए हैं, मोदी जी किसके भगवान हो गए हैं, और मोदी जी को कौन भगवान बना रहा है और किस लिए बना रहा है। मोदी जी को भगवान इसलिए बनाया जा रहा है ना ताकि इंसान के सवाल गायब कर दिए जाए राजनीति से। इंसान का सवाल क्या है, देवघर का सवाल क्या होता है, देवघर का सवाल ये होता है ना कि देवघर में एम्स बनाएंगे, देवघर में विश्वविद्यालय बनाएंगे, देवघर में जो है सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे, देवघर में नया स्टेडियम बनाएंगे, देवघर में रोजगार देंगे, देवघर में जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, देवघर में जो है सभी समाज के लोग, चाहे वो आदिवासी हों गैर आदिवासी हों, आपस में मिल करके शांतिपूर्वक रह सकें, ये सवाल है ना। कौन गुमराह कर रहा है इस मुद्दे को, याद रखिएगा, इस देश में राम के नाम पर, राम जी आराध्य हैं, पूज्य हैं, राम जी के नाम पर नाथू राम वाली नफरत की राजनीति स्थापित की जा रही है। और एक बात जान लीजिए, लंपट लोग से घबराते नहीं हैं, जो ये किए हैं पीछे से उनको हिम्मत है तो सामने से आए ना, और सामने से आएंगे ना तो हम मोहब्बत लेकर के चल रहे हैं, जो नफरत लेके आएंगे ना उनको भी हम गले लगाएंगे, क्योंकि हमारा काम लोगों को लड़ाना नहीं है, लोगों को बांटना नहीं है, हमारा काम दिल से दिल को जुदा करना नहीं है, हमारा काम दिल से दिल को मिलाना है। हम जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले हैं, याद रखिएगा, हम कहते हैं श्रमिक न्याय, वो श्रमिक जो भाजपा को वोट दे रहे हैं ना, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। वो किसान जो भाजपा को वोट दे रहे हैं, हम उनके लिए न्याय चाहते हैं। वो महिलाएं जो भाजपा को भी वोट दे रही हैं, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। और वो जवान जो भाजपा को वोट दिए लेकिन अग्निवीर के नाम पर जो उनके साथ छलावा किया गया, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। और इस बात को याद रखिएगा कि कैसी व्यवस्था बनाई जा रही है। बोकारो में आज ये सबसे बड़ा सवाल है ठेके वाली नौकरी का, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गृह मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और देश के आम लोगों के बच्चों को मिलेगी 4 साल की ठेके वाली नौकरी, यही सच है ना। इस सच को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जहां तक ईश्वर का बात है, धर्म का बात है, हम सर्व धर्म संभाव में भरोसा रखने वाले लोग हैं। एक तो ये जो इलाका है जहां से हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, इसके बारे में आप सब जानते हैं, यही कहें आप, ये इस देश का राजनीतिक कलेवर तय कर। और इसीलिए आप देखिए
कि जब आसाम हम पहुंचे सर, तो गुवाहाटी में जिस रास्ते से हमको नहीं जाने दिया गया, राहुल जी को नहीं जाने दिया गया, उस यात्रा उस रास्ते से नड्डा जी गुजरे और अभी प्रधानमंत्री जी गुजर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री के यात्रा में कम लोग जुटेगा, यही ना, तभी तो ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या तर्क दिया गया कि ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग जुट जाएंगे तो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब प्रधानमंत्री की यात्रा में लोग नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री को कोई देखने नहीं आएगा, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा, इसीलिए उनको जाने दिया जा रहा है, हमको नहीं जाने दिया गया। और मणिपुर जब यात्रा शुरू हुई तो जहां सबकी रैली होती है वहीं हमारी भी रैली होनी थी, उसका परमिशन कैसे कर दिया। गुवाहाटी में जो मेन रास्ता है वहां से इंटर नहीं करने दिया। जब बंगाल आए ठीक है तो खूब हवा दिया गया कि टीएमसी और कांग्रेस की लड़ाई हो गई। अरे ये कौन सी नई बात है, राजनीति में वाद विवाद होते रहता है, लेकिन मीडिया में इसको क्यों इतना हवा दिया जा रहा है? मतलब झारखंड में बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ भी ममता जी के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। क्यों? जब बिहार पहुंचे तो कहा गया कि देखिए नीतीश जी छोड़ करके चले गए, आप जब झारखंड आए तो यहाँ सरकार गिराने का प्रयास किया गया, क्यों? इस पर सब लोग विचार कीजिएगा, सब लोगों को विचार करने की जरूरत है कि सब कुछ मीडिया ब्यूरोक्रेसी तमाम जो है एजेंसियां और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पूरा जो है आरएसएस बीजेपी का तंत्र एक व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है उस आदमी की छवि को टार्निश करने के लिए, क्यों? यह विचार हम सबको करना चाहिए, ये विचार राहुल गांधी को करने की जरूरत नहीं, ये विचार जो है कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत नहीं है, ये विचार इस देश को 140 करोड़ लोगों को करने की जरूरत है कि आखिर इस इंसान के पीछे सब कुछ क्यों पड़ा हुआ, सब हाथ धो करके उसके पीछे क्यों पड़े हुए, वो कौन सा सवाल उठा रहे हैं जिससे इतनी घबराहट है? आपको पता है वो समझ गए हैं कि देश को कैसे दोस्त के हाथ में गिरवी रखा जाए, वो समझ गए हैं कि जो आजादी हमने अंग्रेजों से ली, जो देश हमने बनाया उसको कैसे बेचा जाए, वो समझ गए हैं कि इस देश में बेरोजगारों को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, महिलाओं को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, किसानों को मजदूरों को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे यह जो तबका है नौजवानों का, किसानों का, आदिवासियों का, बीड़ी मजदूरों का, कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों का, गिग वर्कर का, ऑटो चलाने वाले कूलियों का, उनका जो स्वागत है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाए गए लोग हैं। जब हम कटिहार से गुजर रहे थे तो कूलियों का एक जत्था आकर के राहुल जी से मिलने के लिए आए, बीड़ी मजदूर आए, किसान आए, नौजवान आए, अग्निपथ की तैयारी करने वाले जवान आए जो दौड़ते हैं सुबह सुबह आकर के, क्योंकि उन सब के अंदर यह भरोसा पैदा हो रहा है कि हमारे लिए अगर कोई बोल सकता है, हमारे लिए कोई लड़ सकता है, यह जो लूट चल रही है देश में, जो अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इसी से घबरा करके इन्होंने बहुत ठीक कहा, राहुल गांधी की जहां भी होती है आहट, भाजपा में जबरदस्त मच जाती है घबराहट, और उस घबराहट को डिफ्लेक्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये जरूरी है कि बिना बात का विवाद किया जाए। तो हम आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहते हैं, राहुल गांधी उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो इस देश को आजादी दिलाए हैं, इस देश को बनाने में भूमिका निभाई है और इस देश को बचाने में अपनी भूमिका जरूर निभाई।